सर गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। एक मिनट वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अटेंडेंस लगा दो बच्चे अपनी, अटेंडेंस लगा दो। राइट योर नेम एंड योर रोल नंबर इन द चैट बॉक्स। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, अभी दिखाई दे रही है स्क्रीन सभी को? यस सर। नहीं दिख रही है? दिख रही है। ओके, अटेंडेंस मार्क कर दो, फिर एक मिनट में शुरू करते हैं। अपने बाकी के क्लासमेट्स को भी बोलो कि क्लासेस अटेंड करनी स्टार्ट कर दो। ओके, वन थिंग इन पर्टिकुलर आई विल टेल यू फर्स्ट। मुझे आज की जो क्लास होगी हमारी, इसमें मैं CSS प्रॉपर्टीज और HTML का थोड़ा बहुत जो रह गया था वो हम एक बार दोबारा देख लेंगे। उसके बाद अगले 3 दिन आपकी क्लास नहीं होगी इस सब्जेक्ट की, क्योंकि मेरी एक ड्यूटी है कॉलेज में, ठीक है? तो मीनवाइल आप इसको अच्छे से पढ़ना, और फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हम प्रॉपरली शुरू करेंगे। मतलब वेब एसेंशियल से हम शुरू करेंगे, जिसमें आपको नोट्स सारे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो मंडे से तो प्रॉपर क्लासेस लगानी है, और आपका जो जितना मैं करवा रहा हूँ, अगर आप पहले जितनी शुरू करोगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि जो चीज़ इन डिटेल अब हम कर रहे हैं वो शायद हम उतनी डिटेल में नहीं कर पाए उस टाइम पे। गेटिंग माई पॉइंट? आवाज आ रही है? यस सर। एज आई कैन सी देयर आर ओनली 23 स्टूडेंट्स हियर, जबकि आई थिंक इससे ज्यादा तो BCA में ही है। यू ऑल नीड टू बी 35 प्लस एट दिस मोमेंट। 25 से ज्यादा आई थिंक BCA के हो चुके हैं एड, और 10 के करीब मेरे ख्याल से IT में है, तो 30 प्लस तो एटलीस्ट होने चाहिए इनसे। बट चलो, एनी हाउ, ये आपको पता लग गया ना, अगले 3 दिन आपकी क्लास नहीं होगी। द नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन फ्राइडे, ठीक है? जब उस दिन मैं लिंक भी डाल दूंगा दोबारा, ताकि आपको पता लग जाए। चलो, शैल वी स्टार्ट? ओके, तो बेसिकली आपके 2 या 3 चीज़ें HTML में जो रह गई थी वो हम पहले करते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा
मटेरियल उठा लेता हूँ। लेट्स सपोज ये उठा लेते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। को सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। इसका नाम इनपुट रख देते हैं क्योंकि आज हम फॉर्म ही देखेंगे। और फॉर्म से पहले मैं एक चीज और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो होगा मार्क्यूई। ओके, मार्क्यूई के स्पेलिंग इस टैग के क्या होते हैं, सिंगल ई और डबल ई? डबल ई। डबल ई। डबल ई। ओके, तो ये आपके हो गया मार्क्यूई। मार्क्यूई यूज किया हुआ है आप में से कभी कहीं ने? आईटी? नो सर। ओके, तो आज अच्छे से आप देखना मार्क्यूई टैग को। यस सर। आपकी क्लास से ठीक बाद ये अगली क्लास शुरू हो जाती है ना? हेलो सर। नो सर। 4:20 पे आई थिंक आपकी क्लास खत्म होती है नेटवर्किंग की। यस सर। और साथ ही ये शुरू हो जाती है। यस सर। तो जस्ट लेट मी नो फर्स्ट, डू यू नीड अ 10-मिनट ब्रेक और नॉट इन बिटवीन योर क्लासेस? तो अच्छी बात है कि एक ही बार आप सिस्टम पे बैठे हुए और साथ ही दूसरी क्लास लगा देते हो। yes, sir, yes, उसका अपना बेनिफिट yes, है, लेकिन अगर आपको लगता है एग्जॉस्ट yes. हो जाते हो तो 10 मिनट का ब्रेक अगर चाहिए तो बता दो। नो सर, नो नीड। ओके, 4:20 to 5 ही होगी हमारी क्लास, तो आगे चलो कंटिन्यू करते हैं मार्क्यूई। देखते हैं अभी क्या होता है। कैन यू सी वन थिंग एट द टॉप? ये मार्क्यूई टैग है। ठीक है, इज इट ओके? तो आपको जो वेबसाइट में मूव करता हुआ नजर आता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट अगर जा रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो मार्क्यूई टैग है। इसमें आपके दो एट्रीब्यूट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, वैसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं लेकिन जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वो ये दो होते हैं। अगर आप लेफ्ट कर देते हो तो देखते हैं क्या होता है। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो अब ये जिस डायरेक्शन की तरफ आप लेके जाना चाहते हो ना मार्क्यूई को, वो डायरेक्शन आपने देनी है। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही होती है तो इसीलिए मैंने पहले लेफ्ट आपको दिखा दिया है। ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है ये, पूरा खत्म हो जाएगा फिर दोबारा आएगा और लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ जाएगा। अगर मैं इसकी डायरेक्शन अब चेंज करता हूँ, अगर मैं इसको राइट कर देता हूँ तो ये राइट डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू हो गया। ठीक है, अगर यही मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ अप, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये आपको प्रॉपरली पता तब लगेगा अगर मैं इसको थोड़ी हाइट दे देता हूँ। से 100 पिक्सल की हाइट देते हैं। तो नाउ यू कैन सी, राइट? ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ऐसे ही आप डाउन की तरफ भी लेके जा सकते हो इसको। चारों डायरेक्शन आपने देख ली है?
ऊपर नीचे ऊपर यस नीचे से। अब एक और चीज हम देखते हैं, उसको बोलते हैं बिहेवियर। तो लेट सी बिहेवियर में क्या आता है। बिहेवियर बेसिकली आपके तीन होते हैं, स्लाइड, स्क्रॉल और अल्टरनेट। तो देखते हैं स्लाइड से क्या होता है पहले। स्लाइड में क्या हुआ अभी देखा आपने इसको, स्लाइड में क्या हुआ था। नो सर। ओके, मैं रिफ्रेश करता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। अब बताओ क्या हुआ। ऊपर से नीचे आ गया या ऊपर से और नीचे है? कर ऊपर से नीचे आ गया और गया, स्टॉप कर गया, स्टॉप कर स्टॉप गया। कर ठीक गया, है, जैसे वो एच पे पहुंचा वो रुक गया। ठीक, तो ये होती है स्लाइड। और डिफॉल्ट होता है स्क्रॉल। स्क्रॉल में क्या होगा, ठीक है, वो एक साइड से निकल के दूसरी साइड से दोबारा आ गया। क्लियर है। और तीसरा होता है ठीक अल्टरनेट। अब अल्टरनेट ही कॉमनली वैसे यूज होता है। तो ये देखो अल्टरनेट, व्हेन इट रीचेस द एंड इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। पहले वो अप से डाउन जा रहा था, फिर डाउन से अप हो गया, फिर अप से डाउन, फिर डाउन से अप। क्लियर है। यस सर, यस सर, यस ओके, सर। इसके अलावा स्क्रॉल के साथ दो और आपके होते हैं एट्रीब्यूट, वो देख लेते हैं। स्क्रॉल डिले, यहाँ आपको सेकंड्स में, अगर आप जैसे मैं 2 सेकंड देता हूँ तो आप देखते हैं क्या होता है। थोड़ा ज्यादा अमाउंट देते हैं स्क्रॉल डिले। इट स्पेल मिस्टेक, ओ सॉरी, स्क्रॉल अमाउंट, ये कितना स्क्रॉल करेगा। तो इसको देखते हैं अभी। ठीक है, फास्ट फास्ट स्क्रॉल कर रहा है। यही, इसको थोड़ा घटा यस देते हैं, घटा देते हैं तो ये स्लो स्लो मूव कर रहा। ठीक है, तो स्क्रॉल की अमाउंट यस अगर आप देखना बताना चाहते हो कि कितनी कितनी अमाउंट में वो स्क्रॉल करे, अगर आप उसको 1, 2 या 3 देते हो तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में वो स्क्रॉल करेगा। बाय डिफॉल्ट जो आपकी अमाउंट होती है वो 10 होती है। ठीक है, डिफॉल्ट अमाउंट इज 10, ये डिफॉल्ट है। इसी स्पीड पे आ रहा था ना पहले, तो वो आपकी डिफॉल्ट अमाउंट। अटेंडेंस सबकी हो गई। यस आई कैन सी सर, 28 मैसेजेस इन चैट एंड ट्वेंटी यस सिक्स पार्टिसिपेंट्स नाउ 29। तो बाकी के 4-5 का अटेंडेंस लगा के चले गए। ठीक सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जब लास्ट 10 मिनट होंगे तब आप अपनी अटेंडेंस लोगे। ठीक है, जब मैं बोलूंगा आपको तब आप शेयर करना। एनी हाउ, मार्क यू क्लियर है। दैट्स ऑल अबाउट मार्क यू। यस सभी को आईटी, आपको भी क्लियर है। सर। अभी हम अगला नेक्स्ट जो देखेंगे वो होगा फॉर्म। फॉर्म अब जितना बेसिक हो हम उतना बेसिक ही रखेंगे फॉर्म को। ठीक है, तो पहले फॉर्म किया हुआ है आपने, एटलीस्ट आईटी फॉर्म किया हुआ है ना नो बच्चे। सर, नो सर। ये कैसे हो सकता है, ये तो HTML का पार्ट है। आपने कहा HTML किया हुआ है, सर हमें तो स्टार्ट भी नहीं करवाया था ये अभी।
HTML. बच्चे लास्ट टाइम आपने इंटरनेट एप्लीकेशन सब्जेक्ट पढ़ा था? यस सर. यस सर. ओके, तो आपको थ्योरी तो करवाई गई होगी HTML की. सर वो स्टार्ट नहीं करवाया था ना, अभी चैप्टर फिर लॉकडाउन हो गया था. ओके, आपको लैब एक वेब डिजाइनिंग की लैब होती थी आपको? नो नो. आपको लैब नहीं होती थी वेब डिजाइनिंग की? No. आपको लास्ट टाइम कौन कौन से सब्जेक्ट थे, लैब्स कौन कौन सी थी? सर जावा की थी. एंड डीबीएमएस. जावा और डीबीएमएस और एक्सेल. अभी थी आपको कौन कौन सी लैब थी? बीसीए स्टूडेंट्स कौन सी लैब थी? सर एक आप. हाँ जी वेब. ओके, तो फिर ठीक है. फिर स्पेसिफिकली आईटी आप इस सब्जेक्ट को ना, जो हाफ होगा, पहला हाफ होगा, उसको आप बड़े गौर से, और ये ना समझना कि बीसीए ने क्योंकि किया हुआ है तो उनको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से पहले से वो फेमिलियराइज होंगे. आपको खुद को करना पड़ेगा फेमिलियराइज, और आपका जो भी डाउट होगा वो आप रोक के पूछना. ठीक है, स्पीड ज्यादा ना होना देना. अगर आपको समझ नहीं हो रहा है, लग रहा है ना प्रॉपर, तो पूछना फिर. तो अब मैं फॉर्म बताता हूँ आपको. पहले आपको फॉर्म बताता हूँ. सबसे पहले फॉर्म किसके लिए यूज होता है? फॉर्म बनाने के लिए. ठीक है, और फॉर्म क्यों बनाना है हमने? ताकि हम वहां पे कुछ किसी, जैसे कि मैं कोई रिप्लाई अप्लाई कर, रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए कुछ सबमिट कराना होता है, लाइक फीडबैक, तो उसके डेटा को सबमिट कराने के लिए हम फॉर्म. बिल्कुल बिल्कुल, कोई हाँ सबमिशन फॉर्म, जैसे आपने कोई एडमिशन लेनी हो तो आपका फॉर्म भरना पड़ता है एक, अगर आपने कोई अकाउंट बनाना हो जीमेल का, ठीक, तो उसके लिए भी आप फॉर्म भरते हो, साइन इन भी करते हो आप, उसके लिए भी फॉर्म भरते हो. इवन आप जूम पे, अगर मैं आपको लिंक ना दूं, अगर मैं आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड दूं, तो वो भी फॉर्म ही है. आप आईडी भरते हो और पासवर्ड भरते हो, है ना, वो भी फॉर्म है. आप जीमेल की लॉगिन करते हो, पहले आपका आता है ईमेल पर पूछता है, फिर आपसे पासवर्ड पूछता है, वो भी फॉर्म है. जब आप अकाउंट बनाते हो, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सब कुछ पूछता है, और एग्रीमेंट भी आपके आपसे साइन करवाता है चेकबॉक्स वाला, तो वो भी फॉर्म है. ठीक है, तो वो फॉर्म बनाने के लिए एचटीएमएल में कौन सा एलिमेंट यूज होता है, टैग कौन सा यूज होता है? फॉर्म. इज इट क्लियर? फॉर्म होता क्या है, वो क्लियर हो गया ना? यस. ओके, सो नाउ द बीसीए स्टूडेंट्स, बच्चे इसमें आपके एक एट्रीब्यूट की जरूरत होती है हमें, मैंडेटरी एट्रीब्यूट होता है एक, वो कौन सा होता है जिसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होगा आपका? सबमिट. नो बच्चे, वैल्यू बोलो बच्चे. बीसीए आपने तो सुना है, ये पढ़ा है आपने लास्ट, कांक्षा, अंजलि, हरलीन, हर्षा, बोलो बच्चे. भूल गए सर, इनपुट टाइप से हम एंटर करवाते हैं वैल्यू. नहीं, फॉर्म सबमिट करने के लिए एक आपको एट्रीब्यूट लगता है, उस एट्रीब्यूट का नाम है एक्शन. ठीक है, एक्शन एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज आपने फॉर्म को भरा,
फिर आप फॉर्म को करते हो ना सबमिट करते हो, फॉर्म को जब आप सबमिट करते हो तो आप देखते हो कि किसी दूसरे पेज पे हम पहुंच जाते हैं, है ना। अगर सब कुछ सही रहा तो हम लॉगिन कर जाते हैं या हमारा साइन अप हो जाता है या जो भी हमने कुछ फॉर्म भरा था फीडबैक का, वो फीडबैक एक्सेप्ट हो जाता है और हम किसी और पेज पे आ जाते हैं। तो वो जिस पेज पे आपको आना है वो पेज का पाथ आप यहाँ पे लिखते हो। जैसे सपोज ये मेरी input.html है, मेरे को first.html पे आ जाना है, तो मैं उसका पाथ दे देता हूँ कि जब फॉर्म सबमिट हो जाए ठीक से तो हम इस फाइल पर ये वाला पेज जो है वो खुल जाए। तो वो हम उसका पाथ एक्शन एट्रीब्यूट में देते हैं। सो इज दैट क्लियर? तो कुछ हम एक में आपको एक जीमेल खोलते हैं, हम थोड़ा आईडी आपको दिखा देते हैं यहाँ से। तो अगर मैंने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, यू कैन सी दिस इज अ काइंड ऑफ फॉर्म, ठीक है। इसमें कुछ चीजें होती हैं, अब देर आर सम थिंग्स जिनको बोलते हैं फॉर्म एलिमेंट, जैसे ये फील्ड है, ये बटन है, ठीक। कई बार रेडियो बटन होता है जेंडर के लिए, कोई चेक बॉक्स होता है एग्रीमेंट के लिए कि आई एग्री टू ऑल द टर्म्स एंड एवरीथिंग। कई बार डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका ड्रॉप डाउन होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? फॉर्म एलिमेंट। ये बटन होता है, रीसेट का बटन होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं? फॉर्म एलिमेंट। सो इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका फॉर्म एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड इनपुट, इनपुट, ठीक है। तो इनपुट के सबसे इम्पोर्टेंट एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। ये आपका एक एम्प्टी एलिमेंट होता है, जो आप जितने भी आपके ये इनपुट टाइप है ना, इनपुट आपका टैग है, ये एम्प्टी एलिमेंट है, इसके अंदर कुछ नहीं आना है। जैसे आपका इमेज था ना आईडी, आपको एम्प्टी और पेयर्ड एलिमेंट में पता है ना, पेयर और अनपेयर टैग्स का, कि कौन से पेयर्ड होते हैं कौन से अनपेयर्ड होते हैं। यस नो डोंट नो बोलो। स्पीक अप, पता है नहीं पता है बताओ। नो नो भाई, जब पेयर्ड टैग वो होते हैं, ये देखो जैसे ये मार्क्यू टैग था, Yes, ठीक है, मार्क्यू टैग हमने शुरू किया, फिर उसके बाद बंद किया और इसके बीच में कुछ आया ना, चाहे हमने कुछ और लिखा या इसके अंदर हम और भी टैग लगा सकते थे, तो जिसको बोलते हैं पेयर टैग, जिसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स भी आ सके या कोई टेक्स्ट आ सके आपका, उसको क्या बोलते हैं? पेयर टैग। जैसे ये स्पैन है, ये भी पेयर टैग है, डिवीजन है, ये भी पेयर टैग है, पैराग्राफ है, वो भी पेयर टैग है। लेकिन ये इनपुट वाले हैं, इनपुट हो गया, ये जैसे शुरू हो रहे हैं वहीं वो इसी में खत्म हो रहे हैं और इनके बीच में हम कुछ लिख नहीं सकते, कोई और टैग लगा नहीं सकते, तो इनको बोलते हैं एम्प्टी टैग या अनपेयर टैग्स। ओके सर, ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, लेट्स देन मूव टू द नेक्स्ट थिंग। तो इनपुट जो है वो आपका एक फॉर्म एलिमेंट बनाने के काम आती है, और कैसा फॉर्म एलिमेंट बनेगा वो डिपेंड करता है कि आप इसको टाइप क्या देते हो। बहुत सारी टाइप्स होती हैं इसकी, ठीक है, उनमें से एक दो टाइप्स हम यहाँ पे, मैं कुछ फॉर्म बना के नहीं आपको दिखा रहा हूँ, मैं बस आपको ये क्या करके दिखाऊंगा, मैं आपको ये सारे के सारे डिस्प्ले करवा के दिखाना बस मैंने। तो मैंने सबसे पहली टाइप दी टेक्स्ट, ठीक है, इसको कॉपी करता हूं मैं और
एक टाइप होती है पासवर्ड, तो हम दो दो करके देखते हैं, तो आपको ज्यादा समझ लगेगा। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। पहली जो है आपकी, ये आपकी टेक्स्ट है, इसके अंदर टेक्स्ट आ सकता है, कोई भी करेक्टर डाल सकते हो इसके अंदर आप, ठीक है। दूसरी थी यस आपकी पासवर्ड, अब मैं इसमें कुछ करेक्टर टाइप करता हूँ और आप देख सकते हो कि क्या आ रहा है, एस्टेरिक आ रहा है ना। सर यस सर तो अगर आप कोई ऐसी फील्ड बनाना चाहते हो जिसमें टेक्स्ट आ सके, तो आप इनपुट टाइप टेक्स्ट रखोगे। अगर आप चाहते हो कि पासवर्ड की के लिए मैं ये फील्ड यूज करना चाह रही हूँ, तो आप उसकी टाइप पासवर्ड रखोगे, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि इनपुट टाइप ना बस ये फील्ड बनाने के काम आ रही है। देखो फील्ड बनी हुई है, पर साइड में कुछ लिखा नहीं ना हुआ है कि क्या है, क्या चीज है, ये फील्ड में क्या डालना है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा साथ में। जैसे कि ये एंटर नेम, तो अभी देखना, ये देखो आप, पता लगा ना, यस सर वो आपको ऐसे ही लिखना ही पड़ेगा बस। तो दोनों दोनों टाइप्स क्लियर हैं अभी तक, पहली पहली दो टाइप्स। अगली देखें, सर ओके। उसके अलावा टेल होती है एक। अब टेल में क्या होता है, इसमें वैसे आपको नंबर एंटर करने पड़ते हैं, लेकिन आप करेक्टर भी एंटर कर सकते हो वैसे तो, लेकिन जब आप सबमिट करने जाओगे ना, तो वो इसको रेड लाइन में शो कर देगा कि ये टेलीफोन वाली है, तो इसमें टेलीफोन नंबर ही आएगा बस, ठीक। ओके ऐसे ही आपकी और भी है, नंबर है, ठीक। नंबर में आप नंबर ही एंटर कर पाओगे। देखो ठीक है, मैं देखो करेक्टर दबा रहा हूँ, बट करेक्टर नहीं आ रहे हैं। यू कैन हियर द टाइप टाइपिंग, बट कोई करेक्टर नहीं आ रहा है, ठीक है, सिर्फ नंबर ही आएंगे। इज इट ओके नंबर। ऐसे ही एक ईमेल होती ईमेल है, ईमेल होती है या मेल होती है, यस, बीसीए, यस, नवकिरण, बच्चे ईमेल होती है या मेल होती है। चलो ईमेल में बेसिकली आप कोई भी करेक्टर डाल सकते हो, लेकिन ये आपका चेक करेगा कि आपने एट द रेट सिंबल इसके अंदर जरूर हो और एक डॉट का सिंबल जरूर हो, ठीक है। मतलब ये एक वैलिड ईमेल के लिए बना बनाया रूल होगा, उसको चेक करता है। अगर आप खुद की वैलिडेशन नहीं लगाना चाहते हो, आप चाहते हो कि HTML खुद ही देख ले कि ये मेल है या नहीं, तो आप टाइप क्या दोगे, ईमेल। और भी बच्चे काफी टाइप्स होती हैं, इसमें आती है आपकी एक फाइल टाइप आती है, ठीक है। फाइल टाइप को भी देखो, देखो पता लगा फाइल टाइप क्या होती है। यस जैसे आप प्रोफाइल पिक चूज करते हो या कुछ अपलोड करने की कोशिश करते हो, तो यही आता है ना, चूज फाइल। जैसे क्लिक करते हो तो जैसे ब्राउजर खुलता है, अब डायलॉग बॉक्स खुलता है एक आपका, राइट। तो वो टाइप कौन सी है, फाइल। आगे चलें, और कौन सी टाइप्स हैं, जैसे यूआरएल भी एक टाइप है, इसमें आप यूआरएल एंटर करते हो, ठीक। और बच्चे कौन सी टाइप्स हैं, कलर है एक,
कलर में दिखाता हूँ मैं आपको क्या होता है, ये देखो आप इसमें से कलर चूज कर सकते हो, राइट कोई आपकी ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप डिजाइनिंग वगैरह के लिए कुछ करके दे रहे हो तो उसमें ये फायदेमंद है आपके कलर टैब। और एक होती है डेट, डेट होती है, डेट होती है, ये देखो यहाँ से आप डेट पिक कर सकते हो, ईयर पिक कर सकते हो, ठीक है। ये अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग व्यू नजर आएगा आपको, ठीक। कोई भी साल आप क्लिक करो, टिक करो, पिक करो, ठीक है। यस सर, ऐसे बहुत सारे ही हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वीक है, मंथ है, रेंज है, ठीक है, एक्सप्लोर करना है इसको। अब ऐसे ही एक और टाइप है वो मैं आपको बता देता हूँ, चेक बॉक्स, जो आप कॉमनली यूज कर लेते हो। तो चेक बॉक्स में क्या होता है, ये ऐसा एक चेक बॉक्स बन जाता है, इसको आप एक बार क्लिक करते हो वो चेक हो जाता है, दूसरी बार क्लिक करते हो वो अनचेक हो जाता है, ठीक है। इज इट ओके? यस सर। और एक बड़ी बड़ी एक यूनिक चीज, एक चीज होती है कि हमें पता लगना चाहिए कि कौन सी पासवर्ड फील्ड, या सपोज आपने बहुत सारी इनपुट टाइप टेक्स्ट बना ली है आपने, लेट से 10 बना ली है, जब आप सबमिट करते हो तो पता कैसे लगता है कि इस वाली जो फील्ड में डाटा भरा हुआ था वो ये था, ठीक है, क्योंकि ये तो ये चीज तो हमने बाहर लिखी हुई है एंटर नेम, ये इसका इनपुट से कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो पता कैसे लगेगा कि इसमें जो भरा है वो नेम ही है। तो यहाँ एक एट्रीब्यूट आप और दोगे, जितने भी फॉर्म एलिमेंट्स आप यूज करोगे ना उसमें आप उनका नाम जरूर दोगे, जैसे पासवर्ड का हम दे देंगे कि इसका नाम है पासवर्ड, ताकि हम इसको यूज कर सके आगे, ठीक है। नाम से हमें हम पता कर सकते हैं कि ये क्या है, क्लियर, ओके। चेकबॉक्स भी क्लियर है, ऑब्वियसली इसको भी नाम नाम देना चाहिए हमें, लाइक आई एग्री, और एक आपका होता है रेडियो बटन, ये देखो अभी मैं आपको प्रॉपरली एक बना के दिखाता हूँ, एक ही बनाते हैं हम रेडियो, लेट्स से दिस इज फॉर मेल, ठीक है, मेल के लिए बनाया हमने, और दूसरा ऑब्वियसली किसके लिए होगा, ईमेल के लिए, ठीक है, इसके भी टाइप रेडियो दे दिए। मैं इसको सेव करता हूँ, अभी इसको एक्सप्लेन भी करूँगा मैं आगे, ये देखो बना ना एक मेल एक फीमेल, लेकिन देखना अभी क्या होगा, ये देखो एक टाइम पे दोनों सेलेक्ट हो गए, है ना, जबकि रेडियो बटन क्या होते हैं, एक सेलेक्ट हो तो दूसरा डीसेलेक्ट हो जाता है, ठीक है, और दूसरे को सेलेक्ट करो तो पहला डीसेलेक्ट हो जाता है, ऐसे ही होता है ना। Yes, sir. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि ये एक ही ग्रुप के रेडियो बटन है, मतलब दोनों सेम ही है, एक ही ग्रुप के हैं, एक सेलेक्ट करोगे तो दूसरा अनसेलेक्ट होना चाहिए, तो हम इसको नेम सेम देंगे, लेट से जेंडर, और इसको भी नेम जेंडर दे दिया, ठीक है, दोनों को सेम नाम हो गया, सेव किया, अब क्लियर है। तो अगर आप रेडियो बटन का ग्रुप बनाना चाहते हो ना, उनको नाम सेम देना है आपने, जो आपको लगता है कि एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है। यस सर।
ओके अटेंडेंस अभी ने कर ली हुई है, सेव कर लूं? यस सर। एक मिनट और देता हूं, जिसने करनी हो वो अटेंडेंस मार्क कर दे, फिर मैं इसको सेव कर लूंगा। तो क्लियर है बच्चे जितना भी बताया मैंने? अभी ना इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो समझ में प्रॉब्लम हो जाएगी, सारे एट्रीब्यूट्स नहीं मैं बता रहा हूँ अभी, और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन अभी आपको जितना बताया वो पता लग रहा है ना अच्छे से? यस सर। यस सर। ओके सो नेक्स्ट अप, आगे मैं बताता हूँ आपको ड्रॉप सबमिट बटन। अगर आपने ऐसा बटन बनाना है जो सबमिट कर सके, तो आप इनपुट टाइप आपकी को क्या रखनी पड़ेगी? सबमिट, ठीक है। और यहाँ आपको ऑब्वियसली वैल्यू देनी पड़ेगी, जो आप वैल्यू में लिखोगे ना, जैसे मैंने लिखा सबमिट डाटा, ये लिखा मैंने, तो देखो यही उस बटन पे लिखा हुआ आएगा। और जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, हर एक फॉर्म में एक सबमिट बटन होगा, जब आप इस बटन के क्लिक करोगे ना, ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्म सबमिट होके जाना क्या पे था? first.html में। तो देखो वहीं पे गया है, देखो ये यहाँ पे पता लग रहा है ना, first.html में गया है, राइट? यस सर। ओके, किसी को डाउट है बच्चे? पूछो। फॉर्म का एक और एट्रीब्यूट होता है, कौन सा होता है? बीसीए। यस मेथड, दो मेथड होते हैं बच्चे, ये आपने सुना होगा आईटी एचटीटीपी के दो मेथड्स होते हैं ना काफी सारे, ये आपने पढ़े होंगे, गेट पोस्ट हेड ट्रेस। Can you hear me? Hello? Yes, sir. पढ़े हैं ना? तो इसमें HTML में हमारे दो मेथड यूज होते हैं, गेट और पोस्ट। बाय डिफॉल्ट होता है गेट, और दोनों के बीच डिफरेंस पता है ना आपको? मैं आपको गेट पहले दिखाता हूँ, ये मेरा गेट मेथड है, ये देखो मैं इसमें नेम में लेट से कुछ एंटर किया, पासवर्ड में भी कुछ एंटर किया, सबमिट किया, ये देखो जो भी मैंने एंटर किया नेम में पासवर्ड में दिखाई दे रहा है ना ऊपर क्वेश्चन मार्क के बाद, ठीक है। और अगर मैं यही पोस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, और पोस्ट किया अभी मैंने, बैक गया, और यही मैंने यहाँ पे भी कुछ फिल किया, दोबारा सबमिट फिर से किया, तो अब देखो नहीं दिखाई दे रहा है, टॉप पे देखो एड्रेस बार में। सो इज इट ओके? यस सर। ओके ओके ओके। सो काफी है आज के लिए, एक मिनट बचा है क्लास के लिए, आपका कोई छोटा मोटा डाउट हो तो पूछ सकते हो पहले, आगे नहीं करते हैं और। Yes, anyone from BCA, anyone from BSCIT? Last 20-30 seconds left. No? No, sir. चलो शेयर को स्टॉप करते हैं, मीटिंग एंड हो गई बच्चे।